गुड मॉर्निंग, माता नमस्ते। रानी जय की राम जी की जय। आधवज की रसोई में हम हेलो बना रहे हैं सूजी और आलू का एक यूनिक चटपटा सा नाश्ता, जो कि हेल्दी भी है और बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और टेस्टी भी है। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में, टिफिन में भी रख सकते हैं। तो सुबह का बहुत सारा काम पड़ा है, तो हमने सोचा चटपटा सा कुछ अच्छा सा बना ले, तो बच्चों को टिफिन में भी हो जाएगा और नाश्ते में भी आ जाए। तो चलिए हमारी किचन की ओर, हम बनाते हैं चटपटा सा सूजी और आलू का नाश्ता। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। एक बर्तन में हमने 1 कप सूजी ली है, एक इसको ऐड करेंगे और हाफ कप ओली, मतलब आधे कप ओल लिया है हमने, इसको भी ऐड करेंगे। और इसमें हम कुछ सामान ऐड कर, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून से भी कम। कैटे हो गया, अब हम इसको, 1 गिलास हमारा मिल्क है 100 ग्राम के करीब, उससे हम इसका बेटर बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेके अच्छा अच्छा सा बेटर बनाएंगे हम, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। सेम हम केक का बनाते हैं ना, उसी तरीके का हमें इसका बेटर बनाना है। और इस तरीके का हमारा बेटर बन गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए इस पर छोड़ेंगे, इसमें तड़का भी लगाएंगे थोड़ा सा। और इस तरीका का बेटर बन गया हमारा, और हमें इसको 10 मिनट को रेस्ट पे छोड़ेंगे, इसमें तड़का लगाएंगे। इसमें ले रहे हैं हम थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब जीरा छोड़ेंगे, और जीरा पक जाए फिर राई छोड़ेंगे, और ये दोनों अच्छी तड़क जाएगी, फिर हम इसका तड़का सूजी का जो बेटर बना है उसमें देंगे। इसको हम अच्छे से तड़कने देते हैं। तड़का हमारा हो गया कंप्लीट, अब हमको सूजी में डालते हैं और हमारा बेटर में हम इसको ऐड कर देते हैं, और ये हमारा तड़के को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे, अब हम 10 मिनट हो गए थे और 5 मिनट छोड़ेंगे तड़के। और जिस कढ़िया में हमने तड़का लगाया था उसी में हम ऑयल लेंगे 1 टीस्पून के करीब। अब हमारी 1/2 टीस्पून है, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, राई को डालेंगे जो कि 1/2 टीस्पून है। इसमें हमारे ना जीरा है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून खड़ा धना है, 1/2 टीस्पून मेथी का दाना है और 1/2 टीस्पून सौंफ है। चारों को हम इसमें ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे से पकने देते हैं। हींग है हमारी 1 चुटकी, उसको भी ऐड करेंगे हम इसमें। और हमारी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची दोनों ही सेम क्वांटिटी में है, उनको दोनों को ऐड करेंगे। सूखी कड़ी के पत्ते हैं, मीठी लीम, उसको हम सूखे पत्ते हैं उसको हम इस तरीके मेस करके डालेंगे, इसका थोड़ा फ्लेवर अलग आएगा। 4 पुदीना के पत्ते, उसको हम इस तरीके से तोड़ के पटक देंगे, काट के भी पटक सकते हैं। मसाले भी हमारे पक चुकी, हरी मिर्ची वगैरह, धना वगैरह, आलू ऐड करेंगे, उसको मिक्स करके आलू को इस तरीके से 4 आलू डालेंगे हम मीडियम साइज़ के, जो कि उबले हुए हैं, हमने पहले से ही आलू उबाल लिए थे। इनको हम अच्छे से हरी मिर्ची के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। हाफ टी स्पून हम लाल मिर्ची पाउडर छोड़ेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून से भी कम धना पाउडर, हल्दी पाउडर छोड़ेंगे 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें इस तरीके से, और इनको भी हम आलू के साथ पका लेंगे अच्छे से हलाते चलाते हुए इस तरीके से। आलू को अच्छे से कुचल लेंगे हम इस तरीके से। आपको इसमें प्याज वगैरह का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो उसे भी आप ले सकते हैं। हमने इसमें जैसे हम आलू बड़े या फिर समोसे बनाते हैं ना, उसी तरीके का मसाला बनाया है। आप चाहे तो इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं और भी लहसुन वगैरह भी, अदरक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। हमने दोनों तीनों अवॉइड किया है, नहीं लिया है। और कमेंट करके बताना दोस्तों, ये पक चुका है, सिर्फ 2 मिनट में पक जाता है मसाला, आलू भी पक जाते हैं। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब, मिक्स कर लेंगे इसको, और हरी
हरी धनिया पत्ते हैं उसको ऐड करेंगे हम, और गैस कर देते हैं बंद। और इसमें सारी चटनी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। ये बहुत झटपट बन जाते हैं और बच्चों को इतना पसंद आता है ये नाश्ता, बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद आता है। और सुबह ना ये टिफिन में भी बच्चों को रख सकते हैं हम, यानी कि ये नाश्ते के लिए बेस्ट चॉइस है। हेल्दी भी है, बच्चों को पसंद भी आता है और जल्दी बन भी जाता है, यानी कि कम समय है में बन भी जाता है, बच्चों को भी पसंद आता है और हेल्दी भी है। तीनों काम इस नाश्ते में है। हम स्टफिंग हमारी फिलिंग को निकाल के रख लेते हैं, जो कि आलू का मसाला हमने बर्तन में अगल से, इस बर्तन में हमने ऑयल ले लिया है इतने ये इतना बड़ा है, इसको हम तसला बोलते हैं। आप चाहे इसमें का कोई भी बर्तन यूज़ करते हैं कर लीजिए, और इसको हम ऑयल से अच्छे से कवर कर लेंगे। और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें एक कटोरी के करीब नमक ऐड करेंगे और नमक को अच्छे से हम गर्म होने देते हैं एक से दो मिनट। हमारा वेटर भी हो गया है 20 मिनट के करीब इसको, तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें से हम आधा निकालेंगे और आधे को हम पहले यूज़ करेंगे और आधे को बाद में। बेटर का इस तरीके के हो गया हमारा बेटर, ये देखिए 20 मिनट के करीब हो गया। इसको हम आधे को निकाल लेते हैं, आधा निकाल लेंगे अगल बर्तन में हम इसको इस तरीके से। और ये इनो है, इसका हाफ पैकेट हम इस बर्तन में अगल सूजी का बेटर निकाला उसमें ऐड करेंगे। ये हमारे सूजी में हम इतना इनो डालेंगे और इसको एक साइड में हम फेटेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब हमें इस रेसिपी में सूजी का यूज़ करना रहना, जैसे कि हमें सूजी हीट पर रखना है पकाना है तभी इनो डालें। और ये देखिए इन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब ये तो हो गया कंप्लीट, अब जल्दी से हम चलते हैं हमारे गैस की ओर। याद रहे एक ही डायरेक्शन में हमें बेटर को करना है, मिलाना है, और इसी डायरेक्शन में मिला के और इसे छोड़ देना है। और चलिए गैस की ओर, भी हमारा गर्म हो चुका है, उस पर हम इस तरीके की प्लेट रख देंगे। और ये ऑयल लगाया ना इस बर्तन में, हम सूजी और इनो वाला बेटर को ऐड कर देंगे इस तरीके से। और ये हमने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको रखेंगे हम इसके ऊपर। इसे हमें फुल फ्लेम में पकाना है 10 मिनट। इसको हम इस तरीके के बर्तन से ढक देंगे। आप चाहे तो, हम कढ़ैया में बना रहे हैं इसे, आप चाहे तो केक ओवन में बना सकते हैं, ओवन वगैरह में, इडली के बर्तन में भी बना सकते हैं। और इसको 10 मिनट हम ढक के पकाएंगे और फिर निकालेंगे, फिर इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। निकाल लेते हैं, 10 मिनट के करीब हो गया है, देखते हैं। आराम से निकालना, गर्म हो जाता है ये तो। कुछ इस तरीके से हो गया है, ये 10 मिनट हो गया है, इसको हमने निकाल लिया ढक्कन को भी। अब इसमें हम क्या करेंगे, आलू वाली फिलिंग को ऐड करेंगे आराम से। और इस तरीके से हमने सारी फिलिंग को अच्छे से इसमें सेट कर दिया है। याद रहे 10 मिनट पहले पका लीजिए हाफ आधी सूजी को, डेढ़ कप वाली को, और उसमें फिर बाद में इनो। अब इसमें हम वो वाली, और इसमें हम इनो ऐड करेंगे जो हमने बचाया है, सूजी का बेटर और इनो भी बचाया था हमने हाँ, तो इसमें ऐड करके और हम सेम बेसिक डायरेक्शन में उसको अच्छे से फेंट लेंगे। इनो अपना काम करना लग जाए तब तक तो से। और ये हो गया कंप्लीट, और जो हमारा बेटर बचा ना सूजी का, उसको इस तरीके से हम इस पर करेंगे और अच्छे से हमें कवर करना है जो फिलिंग आलू की हमने इसमें ऐड करी उस पर। और ये हमने कर ली है कवर फिलिंग को इस तरीके से, सारा ऐड कर दिया हमने। और हम इसको अब वापस से ढकेंगे, आराम से ढकना या दोस्तों। याद रहे हमारा कढ़िया भी गर्म है और ये भी गर्म है, इसको आराम से हमें सेंटर में ले जाकर। और इसे हमें 10 मिनट पर तक तो गैस है ना तेजी रहने देना, और फिर 10 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए इसे हमें कम आंच में सेकना। हमें 20 मिनट हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे आराम से। इसको निकाल के देखते हैं हमारे जो नाश्ता है वो पका कि नहीं, इसको देखते हैं पका कि नहीं अच्छे से। और इसको देखते हैं,
ये पक चुका है। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं एक मिनट। ये ठंडा हो चुका है, इसको हम निकालेंगे किनार से आराम से इस तरीके से। ये हम इस तरीके से कर लिया, निकाल लिया इसको। इसके ऊपर प्लेट रख, इसके ऊपर इस तरीके प्लेट रख के हम इस तरीके से प्लेट देंगे, हम पलट देंगे थोड़ा सा इस तरीके से टप टप करेंगे। और इसका दिखाते हैं निकाल के हम। तो ये देखिए हमारा नाश्ता सूजी का आलू का तैयार एकदम। कर लेते हैं इस तरीके से, ये बहुत स्पॉन्जी है और बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी भी है। आराम से बहुत स्पॉन्जी बनाना है तो बिखर ना जाए, इसकी पीस ही निकालना हमें से कट हो गया। तो ये अंदर की फीलिंग और टेस्ट हम दोनों निकाल के बताते हैं। अच्छे से एक पीस उठा के बताइए, आराम से आराम से। ये मेरे को निकालना, उठा ले चलो। तो ये देखिए इसको हमने निकाल के बताया है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट है, वैसे ही बहुत ही टेस्टी है। आप सब भी अपने घर पर जरूर ट्राई करिए इस तरीके के नाश्ते को। और हमारे को तो गरम गरम खाने के लिए बच्चे बहुत ही रोने लगे हैं, तो हम तो इसको बच्चों को देने जा रहे हैं। आप इसे टमाटर चटनी सॉस या हरी चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसको रख देते हम। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ये, और सारी लेयर कितनी अच्छे से की है ये देखिए, सारे साइड और इस साइड से इस तरीके से सिका है, पीछे की साइड है नीचे का। और ये देखिए हमारा मसाला भी इसका नहीं बिखरा है, तो इसको हम इस तरीके से। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा चटपटा सा सूजी आलू का केक तैयार है। और इसे हम, आप पुदीना की चटनी टमाटर सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। और आप पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए भी धन्यवाद। आप सबको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए।